अफसोस की बात, हमारे लोग 30 सालों से हमारे लोग यहाँ शहीद हो रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है। और बदकिस्मती ये है कि जो मरकजी सरकार है वो डस से मस नहीं हो रही है। आपने देखा कि अभी चाइना हमारी जमीन के अंदर घुसा है, हमारे 20 से ज्यादा जवानों को उन्होंने पीट पीट के मार दिया। उसके बावजूद अच्छी बात यह है कि उनके साथ बातचीत हो रही है और दर्जनों बार उनके साथ बात हुई और आज कोई मसले का हल नहीं आया। इसी तरह हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग का अखाड़ा है। यहाँ दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं, हमारे पुलिस के लोग, हमारे आम शहरी हैं वो मारे जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग मारे जा रहे हैं। जंग तो किसी चीज का हल नहीं है, न बंदूक से कोई मसला हल होता है, चाहे वो बंदूक रिटर्न की हो चाहे वो बंदूक सिक्योरिटी फोर्सेज की हो। तो ऐसे में हम समझते हैं कि जैसे पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई मसला खड़ा होता है तो वहाँ बातचीत से उस मसले को हल किया जाता है, यहाँ भी जम्मू कश्मीर के अंदर भी और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करने की। देखिए बातचीत इसका मतलब ये है कि फिक्र नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग मारे जा रहे हैं, इस तरह कुर्बान हो रहे हैं, तो उनको कोई फिक्र ही नहीं है, उनको परवाह ही नहीं होती मर रहे हैं। क्योंकि जब जब बात हुई है पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर, जब 2003-2004 में एलके आडवाणी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तब बातचीत हुई थी, मुशरफ से बातचीत हुई थी, तो जम्मू कश्मीर में खून खराबा काफी कम हो गया था, मिलिटेंसी कम हो गई थी। तो आज भी उसी पॉलिसी की जरूरत है, उसके बगैर कोई चारा नहीं।